दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में ऐसी भी बनी हैं जिनकी कहानी, गाने और कलाकार हम सभी के दिलों में घर कर जाते हैं। लेकिन जब भी हम उन कलाकारों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो कुछ थोड़ी सी और गलत जानकारी ही हमें प्राप्त हो पाती है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे 1995 में रिलीज रोमांस से भरपूर फिल्म आजमाइश और 1991 में एक्शन रोमांस वाली फिल्म साथी की हीरोइनों के बारे में, जिनकी खूबसूरती का एक समय में हर कोई दीवाना था। तो आइए पहले जानते हैं आजमाइश फिल्म की हीरोइन अंजलि जठार के बारे में। देखो, दुनिया की जितनी लव स्टोरीज है, जैसे कि लैला मजनू, हीरांझा, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट, इन सब में दो बातें कॉमन है, लड़की अमीर लड़का गरीब या लड़का अमीर लड़की गरीब। ठीक है, मासूम और खूबसूरत दिखने वाली अंजलि जिठार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत आमिर खान के भाई फैजल खान के साथ 1994 की फिल्म मदहोश से की थी। दरअसल ये फिल्म फैजल खान के करियर की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में अंजलि जिठार के काम की काफी सराहना हुई। इसके बाद इन्होंने 1995 की फिल्म आजमाइश में काम किया। 1995 की फिल्म आजमाइश में काम करने के बाद इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी जैसे सुपरस्टारों के साथ काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी अंजलि जठार का हिंदी सिनेमा में करियर बहुत छोटा रहा। इन्होंने 1994 में फिल्म मदहोश से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद आजमाइश, गुंडाराज, त्रिमूर्ति, शस्त्र, विश्वासघात, भीष्मा, ढाल और 1998 की फिल्म खोटे सिक्के शामिल है, जो कि अंजलि की आखिरी फिल्म रही। इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और शादी करके अपने पति के साथ रहने लगी। भले ही अंजलि जठार हिंदी फिल्मों में आज के समय में काम ना कर रही हों, लेकिन अपनी इन फिल्मों की वजह से इन्हें हिंदी सिनेमा में एक अच्छे कलाकार के तौर पर हमेशा ही याद किया जाएगा। कानून का एक सही रखवाला समझती थी, मगर आप झूठे हैं, निर्दय हैं, दुश्मन हैं कानून के। अगर हर कोई वकील आपकी तरह है तो इस देश में वकालत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मेरे साथ जिंदगी की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। मैं जिंदगी में तुम्हारे साथ बड़े से बड़ा दुख का सामना कर सकती हूँ। पापा का घर तो क्या, मैं तुम्हें पाने के लिए दुनिया भी छोड़ सकती हूँ। आइए दोस्तों, आप जानते हैं 1991 की फिल्म साथी की अभिनेत्री वर्षा उस गांवकर के बारे में। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं फिर एक बार आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। वैसे आप तो जानते हैं कि संगीत की दुनिया में कोई भी ऐसा लोकप्रिय गीत नहीं है जो मैं नहीं गा सकती। आपको बता दें, वर्षा उस गवाकर हिंदी सिनेमा से पहले मराठी सिनेमा की अभिनेत्री हैं, जो कि 90 के दशक में मराठी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री रहीं। लेकिन मराठी सिनेमा से निकलकर आखिर कैसे वर्षा उस गांव कर पहुंची हिंदी सिनेमा तक, आइए जानते हैं। दरअसल ये मराठी फिल्मों में काम करने से पहले मराठी थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी थी, जिन्होंने कई मराठी स्टेज प्ले किए। लेकिन सन 1984 में इन्हें मराठी नाटक ब्रह्मचारी में मुख्य भूमिका ने सफलता दिला दी। इसके बाद इन्होंने सन 1987 की मराठी फिल्म गंपट जमात में काम किया। इसके बाद इन्हें एक और मराठी फिल्म में रजनीवाला नाम की लड़की का किरदार निभाने का मौका मिला। और फिर सन 1988 में बीआर चोपड़ा महाभारत में वर्षा उस गांव करने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का किरदार निभाया, जो कि हिंदी सिनेमा में इनका पहला किरदार था। इसके बाद फिल्म दूध का कर्ज में इन्हें कजरी का रोल मिला। बस यहीं से इनके लिए हिंदी फिल्मों के भी रास्ते खुल गए। इसके बाद इन्होंने हिंदी की साथी, घर जमाई, तिरंगा, परवाने, हस्ती, खलनायिका इत्यादि हिंदी की फिल्मों में काम किया और साथ ही साथ इन्होंने मराठी भाषा की भी हिट फिल्मों में काम किया। आपको बता दें, आज के समय में भी वर्षा उसगांवकर मराठी सिनेमा में सक्रिय हैं। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने सन 2000 में भारतीय फिल्म संगीत निर्देशक रविशंकर शर्मा के बेटे अजय शर्मा से शादी की थी। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा की दो अल्पकालिक हीरोइनें, जिन्होंने अपने छोटे से करियर में अपनी फिल्मों में शानदार अभिनय की वजह से हम सभी के दिलों में खास जगह बनाई है। लेकिन आज के समय में ये शादी करके फिल्मी दुनिया से दूर जाकर अपने परिवार को संभाल रही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें अपने कॉमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँच सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाएं, ताकि आप तक पहुंच सकें बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग जानकारी के वीडियोज। धन्यवाद।